एवरीवन सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ रसोई दी अलमारी विच इलायची सौंफ जवैन अमचूर ते अनारदाना वख-वख लिफाफियां अंदर बैठे रहंदे सन। एक बार जदों मई दा महीना आया दोपहर वेले इलायची नूं बड़ी गर्मी लगी ते ए सारा जिहड़ा समान है रसोई विच पिया रहिंदा सी ते मई दे महीने विच जद गर्मी पैंदी है उस वेले जिहड़ी इलायची हैगी है ओनूं बहुत ज्यादा गर्मी लगी। ओहो सब तो जल्दी लिफाफे विचों बाहर आ गई क्योंकि उन्हें गर्मी लगी तो जड़ी इलायची सी वो लिफाफे चो बाहर आ गई। फिर सौंफ नू भी गर्मी लगी ते जवैन नू भी गर्मी लगी अमचूर ते अनारदाने नू भी गर्मी लगी। सारे ही लिफाफियां विचों निकल आए ते एक एक करके सारे फिर लिफाफियां विचों अपने बाहर नू निकल आए। नेड़े ढक्कन उत्ते पुदीना पिया सी। हुण इत्थे ए पुदीना लिखा होया पर इहदा मतलब हैगा पुदीना। पुदीने नू वी ढक्कन बड़ा गर्म लगा। पुदीना ढक्कन उत्तों उतर के अपने बेली अनारदाने कोल आ गया ते पुदीने नू वी गर्मी लग रही सी ढक्कन गर्म लग रहा सी ते ओह फटाफट छाल मार के अपने दोस्त जिहड़ा अनारदाना हैगा ओहदे कोल आ गया। इलायची अपने आप नू इन्ना सबना विचों उत्तम समझदी सी ते जिहड़ी इलायची ओनू लगदा सी वी मैं इन्हां सारिआं विचों सब तो समझदार हैगी हां। ओ कहण लगी मैं बड़ी सुंदर हां गुणा विच वी सब तो चंगी हां तुसी मेरे नेड़े बैठे चंगे नहीं लगदे। इलायची ए सारिआं नू कह रही वी तुसी मेरे कोल बैठे वधिया नहीं लगदे मैं तां बहुत सोहणी हां मेरे कोल गुण वी ज्यादा हैगे ने तुहाडा ते मेरा कोई मेल थोड़ी है। मैं थोड़े विचों सब तो महंगी हां शरबत बनाओ तां मैनू विच पा लो। जे शरबत भी बनांदे आ लोक ते मैनू विच पा लैंदे ने वी मैं सब तो महंगी सोहणी वधिया हैगी हां। मैं तां चंगियां चंगियां मिठाइयां विच वी पै जांदी हां वी मैं तां चंगी चंगी मिठाई भी नहीं छड्डदी ओहदे विच वी मैनू इस्तेमाल कीता जांदा है मेरी वरतों कीती जांदी है। सौंफ ते जवैन इकट्ठियां बैठियां सन। हुण सौंफ भी जवैन भी इकट्ठियां बैठियां होईयां सन। जवैन ने सौंफ नू कहा देख भैणे अज इलायची नू की गर्मी चढ़ गई है वी इलायची इहो जिहियां गल्लां कर रही है इहनू किहो जी गर्मी चढ़ गई है। कहंदी ए असीं इहदे नेड़े ना बैठीए किते दूर चले जाइए। कहंदी आ देख इलायची किहो जिहियां गल्लां कर रही है सानू कह रही है वी असीं इहदे नेड़े ना बैठीए आपां किते दूर जाके बैठ जाइए वड्डी गुणा वाली। जदों ढिड पीड़ होवे उदों इलायची नू कोई भी नहीं पुछदा ते ओह हासा मजाक कर रहीआं सी अपने विच। कहंदी जद ढिड दे विच किसे दे दर्द होए पीड़ होए तां इलायची नू थोड़ी कोई आके पुछदा सारे तैनू या मैनू ही खांदे ने। जे एतबार नहीं तां हकीमां वैदां कोलों ए साडे गुण पुछ के देख लो वी जे यकीन नहीं हुंदा वी ढिड खराब हुंदा तां लोक सौंफ या जवैन खांदे ने। जे तुहानू यकीन नहीं हैगा एतबार नहीं हैगा तां जाके जिहड़े हकीम हैगे ने डॉक्टर हैगे ने वैद हैगे ने उहनां कोलों जाके पुछ लो वी इहनां दे की गुण हैगे ने सौंफ ते जवैन दे। सौंफ बोली तूं सच कहंदी ऐ भैणे जे किसे सियाणे कोलों इंसाफ कराया जाए तां ओह तेरी गल सच दसेगा। सौंफ कहंदी भी बिल्कुल ठीक है जे आपां किसी सियाणे बंदे कोल जाइए तां ओह सच दसूगा भी हां सौंफ ते जवैन ज्यादा फायदेमंद हैगी है। इलायची आप नू बड़ी गुणा वाली समझदी है होवेगी अपने घर असी कोई औगुणा वालियां हां। ओह कहंदी इलायची अपने आप नू ज्यादा समझदी है होएगी ज्यादा समझदार अपने घर होएगी साडे कोल कोई घट गुण थोड़ी हैगे ने साडे कोल औगुण थोड़ी हैगे ने भी असी माड़ियां थोड़ियां हैगियां ने। मेरे वर्गी मिठी बन के तां दस्से भी मैं जिन्नी मिठी हां उन्ना मिठा बन के तां दस्से। सुंगण विच भावें चंगी है पर सुंगण नूं मैं किहड़ी माणी हां वी जे आपां स्मैल करिए तां ठीक है स्मैल वधिया आंदी है पर सौंफ कहंदी मैं किहड़ा माड़ी हैगी हां। मैं भी तेरे वांग वैदा हकीमा दे बड़े काम आंदी है इलायची नु कहंदी मैं तां बहुत काम आंदी है। इलायची दे भी इतने फायदे ने ते साडे सौंफ ते अजवैन दे भी बहुत फायदे हैगे ने। हकीम वैद जेडे हैगे ने जेडे लोकां दा इलाज करदे ने सारे जेडे हैगे ने सौंफ दा भी इस्तेमाल करदे ने। अमचूर नु इलायची दी गल कौड़ी लगी, अमचूर नु भी बड़ी कौड़ी जी लगी। इलायची अपनी तरीफां करी जा रही है, फड़ा मारी जा रही है, अमचूर नु बड़ा अजीब जिहा लग्या। ओने कहा मेरी वर्गी खटियाई ना इलायची विच है ते ना सौंफ ना जवैन विच, मेरी खटियाई बिना किन्ने ही खाने चंगे नहीं लगदे। अमचूर कहंदा लै गल्ला मारदी है सौंफ जवैन इलायची, मेरे वर्गी जिहड़ी खटियाई हैगी ओह इन्हां विचों थोड़ी किसे विच हैगी है ते मेरी खटियाई जिहड़ा खट्टापन हैगा ओहदे बिना जे खाना बनाया जाए ओह भी स्वाद नहीं लगदा। अनारदाने नू बड़ी गर्मी लग रही सी। बड़े दूर दुरादे दे देश कश्मीर तो आया सी जिथे बड़ी ठंड हुंदी है ते जिहड़ा अनारदाना ओनू तां बहुत ही गर्मी लग रही सी क्योंकि ओह कित्थों आया सी, कश्मीर तो आया सी जिथे बहुत ठंड हुंदी है। अनारदाने ने बड़े लाल होके कहा मेरे भरा अमचूर ने सच कहा है, खटियाई बिना किन्ने ही खाने चंगे नहीं लगदे, मेरी खटियाई किन्नी चंगी है, पूरने दी चटनी मेरे तो बिना चंगी नहीं लगदी। ते अनारदाने ने जो बहुत दूर तो आया सी ओने गल मनी भी हां अमचूर जिहड़ा भरा हैगा ओह बिल्कुल ठीक कह रहा भी ओदी खटियाई बिना जिहड़ा खाना हैगा किन्ने खाने हैगे ने जो वधिया नहीं लगदे। ते अनारदाना कहंदा भी मेरी खटियाई इन्नी चंगी है कि जे आपां पुदीने दी चटनी भी बनांदे आ तो ओ भी अनारदाना पा के बनाई जाती है, खटियाई तो बिना वधिया नहीं लगती वो चटनी। अगे चलदे हां, पुदीने नू अपने साथी अनारदाने दी गल बड़ी चंगी लगी सी ते पुदीने नू भी ये गल बड़ी चंगी लगी जो अनारदाने ने कहा भी हां भी खटियाई तो बिना पुदीने दी चटनी जिहड़ी हैगी है वो वधिया थोड़ी लगदी है, सारियां दा अपना अपना काम हैगा। ते इहने नू पुदीने ने कहा मैं तुहाडे विचों सारियां तो सस्ता हां पर सियाणा सब तो वध हैगा। पुदीना कहंदा मैं ठीक है मन लई गल भी मैं तुहाडे सारियां चों सस्ता हैगा पर इह गल भी सच हैगी है भी सब तो वध समझदार सियाणा जिहड़ा हैगा ओह पुदीना हैगा, मैं हैगा। इलायची नूं महंगियां होण करके अपने आप नूं एडी उत्तम नहीं समझना चाहिदा भी इलायची महंगी हैगी है तां मैं बहुत टॉप पोजीशन ते हैगी हां, मैं सब तो वधिया हैगी हां। ओनू साडे नेड़े बैठियां ना कमू नहीं चढ़ाना चाहिदा। सारियां विच वख-वख गुण हुंदे हन जिवें चटनी लई मैं ते अनारदाना दोवें चाहिदे हां, इस तरह ही साडे विचों सारियां चीजां दी लोड़ पैंदी रहिंदी है। ते पुदीना कहंदा सारियां दे अपने अपने गुण हुंदे ने, नहीं कि एक दूजे कोल बैठ के आपां नक्क मूंह बनाई जाइए चढ़ाई जाइए भी मैं वधिया ओह कटियां। सारियां विच वख-वख अलग-अलग गुण हुंदे ने, सारे अपने आप विच अनोखे हुंदे ने। जिवें चटनी बनाईए तां अनारदाना ते पुदीने दी लोड़ हुंदी है, इसे तरीके दे नाल सारियां चीजां विच हरेक चीज दी लोड़ पैंदी रहिंदी है। सानू सारियां नू बेली बन के रहना चाहिदा, दोस्त बन के रहना चाहिदा। सारे अपने अपने थां चंगे हन, सारे अपनी अपनी थां चंगे हैगे ने, कम विच आंदे ने। पुदीने दी गल सियाणी ते इंसाफ वाली सी, ओदी गल पुदीने दी गल इलायची जवैन अमचूर अनारदाने सारियां ने सुनी ओदी गल। पुदीने दी गल सियाणी ते इंसाफ वाली सी, बिल्कुल ठीक गल कह रहा सी जेड़ा पुदीना सी। इलायची सौंफ ते जवैन अमचूर ते अजवैन नू पुदीने दा कहा चंगा लग्या। सारियां ने वचन दिता कि ओह एक दूजे दे असली साथी बनणगे ते इकट्ठे रल के रहणगे, एक दूजे नाल रहणगे, रल मिल के साथी बन के रहणगे। भी पुदीना सही गल कह रहा, सारे वख-वख कम्मां विच इस्तेमाल आंदे ने, भी हर किसे दी अपनी विशेषता हैगी। अगे दुपहर दी तिखी गर्मी घट चुकी सी, जिहड़ी तिखी गर्मी लग रही सी सारियां नू दुपहरे ओह घट गई सी। आसमान उत्ते बदल भी आ गए सी, मतलब बदल आ गए सी, हुण ठीक हो गया सी मौसम। इलायची, जवैन, अमचूर ते अनारदाना सारे खुश हो गए ते अपने अपने लिफाफियां विच जाके मिठी निंदर सो गए, क्योंकि मौसम ठीक हो गया। सारे अपनी अपनी थां वापस जाके पैकेट दे विच वधिया नींद उन्हां नूं आई, ओह सो गए। पुदीना भी ढक्कने ते जाके लेट गया, ओह भी जिहड़ा ढक्कन सी ओहदे ते जाके लेट गया। ओनू निंदर ना आई, पर जिहड़ा पुदीना सी ओनू नींद नहीं आ रही सी। ओह रात पैण तक जागदा रहा ते रात नू रसोई दी बारी विचों आसमान उत्ते चमकदे तारे तकदा रहा। जिहड़ा पुदीना सी उहनू नींद नहीं आ रही सी, तां उहने की कीता, ओह रात भर जागदा रहा ते जिहड़ी खिड़की सी रसोई दी बारी सी, बारी यानी कि खिड़की, ओहदे विचों ओह बाहर आसमान दे विच जिहड़े तारे सी ओह देखदा रहा। ते आपां नू याद रखना चाहिदा इस कहानी तो भी हर कोई अपने अपने काम आंदा है, हर किसी दी अपनी अपनी विशेषता हुंदी है, सानू कदे भी किसी नू उच्चा नहीं बानी बोलना चाहिदा। जे वीडियो वधिया लगी तां लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करियो। आपां फेर मिलांगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।